फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज का तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बेस्ट मिड कैप फंड के बारे में बताया था, और इस थर्ड वीडियो में मैं आपको बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स का नाम नहीं बताऊंगा, एज ऑलवेज मैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू हमने इन टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स को सेलेक्ट किया है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स का डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी YouTube चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो नाउ हम जानते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है। सो फ्लेक्सी कैप स्कीम्स क्या होते हैं और कहां वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्लेक्सी कैप स्कीम्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक कैटेगरी है जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेस्ट पार्ट ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में किसी भी तरह का मार्केट कैप एलोकेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये फंड्स किसी भी अमाउंट में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड्स बेसिस मार्केट कंडीशंस अपना एलोकेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 25 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दीज 25 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है और जो कि न्यू फंड है। न्यू फंड मीन्स जिन फंड्स ने अपना 3 ईयर्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। हमें स्मॉल AUM और न्यू फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से मैंने पास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। दैट्स वाई इस वीडियो में मैं इसे फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सो आउट ऑफ दिस 25 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं BOI AXA फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, IDBI फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड, LIC MF फ्लेक्सी कैप फंड, नवी फ्लेक्सी कैप फंड, श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा फ्लेक्सी कैप फंड एंड टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड। नाउ वी आर लेफ्ट विद 16 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स। आउट ऑफ दिस 16 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर डिफरेंट होराइजंस अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट से बीट नहीं किया है। जब भी हम एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली बीट करे, क्योंकि अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है इन दैट केस हम एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की जगह पे किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम होगा। सो आउट ऑफ दिस 16 फंड्स आप देख सकते हैं कि काफी फंड्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस अंडर परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कीम्स इन एनी गिवन कैटेगरी। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये इंश्योर करें कि आप किसी भी कैटेगरी के टॉप 4-5 फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप अंडर परफॉर्मर स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनका रिटर्न्स एज कम्पेयर टू टॉप स्कीम्स काफी कम होगा। सो आउट ऑफ दिस 16 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, IDFC फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, L&T फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड एंड SBI फ्लेक्सी कैप फंड। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फंड सेलेक्ट करें तो आप ये इंश्योर करें कि आप उस फंड को सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं करें, आपको उस फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर टॉप 8 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स। ये सारे स्कीम्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अच्छे स्कीम्स हैं जिन्होंने मोस्ट ऑफ द होराइजंस में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन 8 स्कीम्स में है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ हमें आउट ऑफ दीज 8 स्कीम्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप 3 स्कीम्स सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ दीज 8 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 3 परसेंटेज पॉइंट के मार्जिन से बीट नहीं किया है। सो नाउ वी हैव गॉट अवर टॉप 3 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स। ये स्कीम्स हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड। इन तीनों फ्लेक्सी कैप स्कीम्स ने सारे होराइजंस में अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है।
नाउ हम इन टॉप 3 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल होगा। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दीज 3 फंड्स। पराग पारेक फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में मेजर इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट काफी कम है, जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों ही मार्केट कैप्स में अच्छा एलोकेशन दिया है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप एंड मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर है, जबकि इस फंड का स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफी कम है। सो ओवरऑल पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी बड़ा एक्सपोजर है, सो रिलेटिवली ये फंड ज्यादा रिस्की होगा, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में तो मेजर एक्सपोजर है जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में स्मॉल एक्सपोजर है। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड रिलेटिवली लेस रिस्की फंड है। नाउ हम इन तीनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेक फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एलोकेशन है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 36.46%। इस फंड का कुछ और सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन है लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड एफएमसीजी। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एक्सपोजर है फाइनेंशियल सेक्टर में 20.7%। साथ ही इस फंड का कुछ और सेक्टर्स में मेजर एक्सपोजर है लाइक टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल्स। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एक्सपोजर है फाइनेंशियल में 24.67%। साथ ही इस फंड का कुछ और सेक्टर्स में मेजर एक्सपोजर है लाइक हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड केमिकल्स। सो ओवरऑल पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर है और इस फंड का मेजर एक्सपोजर टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसलिए है क्योंकि इस फंड ने यूएस के मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ इन टॉप फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है अल्फाबेट में, जो कि गूगल की पैरेंट कंपनी है 8.5%। इस फंड के कुछ और मेजर होल्डिंग्स हैं बजाज होल्डिंग्स, ITC, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है ICICI बैंक में 5.31%। इस फंड का कुछ और मेजर होल्डिंग्स है इन्फोसिस, HDFC, अल्केम लैब्स एंड SBI। UTI फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है बजाज फाइनेंस में 6.44%। इस फंड का कुछ और मेजर होल्डिंग्स है HDFC बैंक, L&T इन्फोटेक, HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक। सो ओवरऑल पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इनके टॉप 10 स्टॉक्स में इनके टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 64% इन्वेस्ट किया गया है, जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टॉप 10 स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का सिर्फ 37% इन्वेस्ट किया है और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टॉप 10 स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का सिर्फ 42% इन्वेस्ट किया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है यूएस इक्विटीज में, ये अपने टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 28-30% यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने सिर्फ इंडियन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ इन टॉप 3 फंड्स का 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स चेक करेंगे। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे शार्प रेशियो एंड अल्फा। ये दोनों ही पैरामीटर्स जितना ज्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। दैट मीन्स इस फंड ने रिलेटिवली कम रिस्क लिया है। 3 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो एंड अल्फा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। दैट मीन्स इस फंड ने ज्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का भी शार्प रेशियो एंड अल्फा काफी अच्छा है। 5 ईयर होराइजन में भी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। दैट मीन्स इस फंड ने रिलेटिवली कम रिस्क लिया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा भी ज्यादा है 5 ईयर होराइजन में एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। दैट मीन्स इस फंड ने ज्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है 5 ईयर होराइजन में भी। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का भी शार्प रेशियो एंड अल्फा अच्छा है। नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हम अपने टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स को रैंक करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। हमारा टॉप फ्लेक्सी कैप फंड होगा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, हमारा नंबर 2nd फ्लेक्सी कैप फंड होगा पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड हमारा 3rd टॉप फंड होगा यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। नाउ हमें हमारा टॉप 3 फ्लेक्सी कैप स्कीम मिल गया है। आउट ऑफ दीज 3 टॉप फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हमें ये पता लगाना होगा कि हमारे लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि कोई फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड है दैट डजंट मीन कि वो फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है। अगर आपके पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटीज का एक्सपोजर नहीं है और आप फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर चाहते हैं तो आपके लिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपोजर है फॉरेन इक्विटीज का या फिर आप फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर नहीं चाहते हैं तो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड
आप PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या UTI फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।